वो सारे रिश्तेदार पड़ोसी सब इनके घर के बाहर। मैं ऐसे बहुत सारे लोग जानता हूँ, मैं 20 साल में ऐसे बहुत सारे लोग जानता हूँ जिनके घर के बाहर जूतों की लाइन लग जाती है, ऐसा नहीं दर्शन करने के, बाहर निकलेंगे बाहर निकलते ही मारना है, बाहर दिखते ही मारना है उस व्यक्ति को, ये वो व्यक्ति होते हैं। तो लोग नेटवर्किंग को यहाँ से कनेक्ट करते हैं, और नेटवर्किंग ये नहीं है, आपके घर में अगर सुई भी आ रही है, ब्रेड भी आ रहा है, आटा भी आ रहा है, नमक भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कपड़ा भी आ रहा है, एवरीथिंग जो भी आप देते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक नेटवर्क के माध्यम से ही है, और जो ऊपर से आप नीचे आए हो धरती में वो भी एक नेटवर्क से ही आए हो। आपके पास एक जमा जमाया नेटवर्क है, आपको मालूम है, आपके पास जमा जमाया नेटवर्क है, ये मालूम है किसी को? अरे आपकी फैमिली का कैसे नक्शा बनता है, पापा मम्मी ये प्रोडक्ट उसका, ये उसका, इसके ये दो प्रोडक्ट, उनके दो प्रोडक्ट, आप कितना भागोगे भाई साहब? यही है, जन्म ही ऐसा हुआ हमारा नेटवर्किंग में, हम इस काल से भाग नहीं सकते सर, इतनी मर्जी कोशिश कर लो। मैं कभी नहीं चाहूंगा जो मैंने गलती करी है किसी और ने करी है, बहुत सारे करी होगी, जब हमने अपने माँ बाप को बोला होगा कि यहाँ पैदा क्यों हो गया, और उस समय ये होता था कि जब हम फादर बोलते बाबा ये शूज दिला दो, तो अब मुझे वो चीज पेन होती है आज इस एज में, उनको कैसा फील होता होगा, और हम कैसे जिद करते थे, चाहे वो छोटी सी जिद क्यों ना होती है उस समय, आज तो हमें कुछ वो लग नहीं रही है, लेकिन उस समय तो वो बहुत बड़ी जिद थी, सबने करी होगी, सबने मन में आया यार हम यहाँ क्यों पैदा हो गए, और वही से हमारा एक प्रण बना था कि हम अपने बच्चों को ये चीज नहीं देते। तो उस समय हमारा नेटवर्क अगर वहां मजबूत कर लेते तो आज हमारी ऐसी ना होता। तो लोग रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए तो बहुत बोलते हैं, किसी ने बनाने के लिए नहीं बोलते। अगर ऊपर वाले ने आपका नेटवर्क दिया तो उसको सही से उपयोग करिए, बहुत सही से उपयोग करिए, हम लोग बोलते सर ये अंबानी ने जो नेटवर्क बना दिया, इन्होंने बना दिया, मैं अपना नेटवर्क कहां से बनाऊंगा या कैसे बनाऊंगी? तो नेटवर्क तो आपके पास ऑलरेडी है, पूछिए कैसे। अगर मैम आपके घर में आज किसी की शादी है, कितनी लिस्ट बनेगी सर? कितनी लिस्ट बन जाएगी? 500, 300 जो बोलो कम है, डन। और सर उसमें अगर एक नाम भी मिस हो गया तो आप क्या बोलोगे? यस और नो, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है जिसमें, एक एक बंदा उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, VVIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यस और नो, डन है ना, मानते हो सब चीजों को? यस। जब आप बिजनेस खोलोगे मैम कितने लोग फ्री में हेल्प करने आएंगे? क्योंकि हमने अपना माइंडसेट ऐसा बना रखा है। लेकिन सच सच बोलना, अगर आप कोई बिजनेस करोगे कि आपकी बहन हेल्प करेगी, क्या वो आपका साथ देगी या नहीं देगी? फैमिली देगी या नहीं देगी? तो नेटवर्क तो हमारा फैमिली है दोस्त, हम इधर उधर क्यों भटकते हैं? किसी ने आके समझा दिया, क्योंकि अंग्रेजी लोग पहले आए सिस्टम को लेकर, उन्होंने बोला कोई नहीं आएगा, सब आएंगे दोस्त करके, तो देखो बिजनेस कौन हेल्प नहीं करेगा, एवरीवन विल हेल्प यू, कौन सी बहन नहीं चाहेगी उसका भाई ग्रो करे, कौन सा भाई नहीं चाहेगा उसकी बहन या उसका हस्बैंड ग्रो करे, कौन नहीं चाहता? यहाँ पे कितने लोग हैं? एवरीवन वांट्स। तो हम एक वो बैठ गए उस चीज को सोच के, तो अगर वो 500 लोग हैं, पंगा कहाँ पर आता है वो समझना, सबसे बड़ा रोग क्या है? वो 500 लोग जो है ये वही लोग है, क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं कि अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो मासी क्या बोलेगी, चाची क्या बोलेगी, फूफा क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, हमें इनसे फर्क यहाँ पे पड़ता है। लेकिन क्या कभी हमने इनसे हेल्प भी मांगी है? हेल्प तो मांगी नहीं, बस अज्यूम कर दिया ये हेल्प नहीं करेंगे।